नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। जैसा कि आपको पता है कि सारंगखेड़ा मेला जो है बहुत जोर शोर से चल रहा है और सारंगखेड़ा मेले में रिंग वाले घोड़ा घोड़ी भी आना शुरुआत हो चुकी है, तो उसी में हम एक घोड़ी जो हमारे सामने खड़ी हुई है उसके बारे में जानेंगे उनके ऑनर से। सर नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते प्रदीप जी, बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस सर बढ़िया। तो सर मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम सुमित सिंह पवार है, मैं परभनी जिले के सोनपेट तालुके से आया हूँ सर यहाँ पे। ओके, जिला क्या लगता है सर, परभनी? हाँ, जिला परभनी लगता है हमारा और तालुका जो है वो सोनपेट लगता है। ओके, तो सर कितने टाइम से घोड़ा घोड़ी रख रहे हैं आप? मैं प्रदीप जी देखिए 3 साल हो गए, 2019 से रख रहा हूँ। 2019 से? हाँ। तो कैसे शुरुआत करी थी सर घोड़ा घोड़ी रखने की? सर क्या था, शौक तो बचपन से था और ये शौक हमारे पिताजी को भी था। ओके, तो पिताजी मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे तो वो रख नहीं पाए कभी, लेकिन उनकी इच्छा बहुत होती थी कि अपन भी एक घोड़ा रखना चाहिए। बिल्कुल। फिर 2019 के मेले में हम आए थे हमारे कुछ दोस्तों के साथ, तो मंडी देखी, बहुत घूमे हम मंडी पूरी, और तब 2019 के मेले में प्रदीप जी हमने यहाँ से एक बच्चा ले गए थे। इसी सारंगखेड़ा मेले से? हाँ जी हाँ जी, हम यहीं से एक नुकरा बच्चा ले गए थे। अच्छा, तो तब से हमारा 2019 से शौक जो है वो कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें अभी इस बच्ची की, तो बच्ची है कि दो दांत में है? सर ये तो अभी दो दांत में है। दो दांत में है? हाँ, अभी एक महीने दो महीने पहले ये दो दांत में आई है। तो सर अगर इसकी डिटेल जाने तो आपने ली कहाँ से थी सबसे पहले तो ये बताएं। सर ये जो बच्ची है मैंने पंजाब में जो शेरे पंजाब स्टड फार्म है वहाँ से ली थी मैंने ये। ओके। और इसका बाप कौन है सर? इसका बाप जो देखिए सर अभी बादल बोल के है, सुखबीर सिंह बराज जी के पास है अभी। अच्छा। जो पहले सूर्यवंश नाम का था उसका नाम। बिल्कुल। अभी उनके पास जब ओनर चेंज हुआ तो उन्होंने उसका नाम बादल रखा। अच्छा, बादल कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल। और इसकी माँ की बात करें तो सर माँ कौन है? इसकी माँ सर देखिए जो कुकरी वाला घोड़ा था वो कुकरी वाले की डायरेक्ट डॉटर है वो। अभी है इसकी माँ या नहीं? हाँ जी अभी है। तो और इसकी क्या उम्र हो गई होगी सर? ये तो देखिए सर अभी 30 महीने के आसपास हो गई है। 30 महीने के आसपास? 30 महीने के आसपास हो गई। और हाइट में क्या है सर ये? हाइट में तो देख लो सर अभी आपके सामने ही खड़ी है। हमने जब तो भी आपका आइडिया क्या कहता है, हमने तो कभी गिना नहीं सर, फिर भी अभी 60+ ही रहेगी, 61। बिल्कुल। बाकी मार्किंग में क्या है सर इसके? मार्किंग में सर एक पीछे वाला जो पैर है वो सफेद है और माथे यहाँ पे छोटा टीका है, एक टीका है। तो अभी सर सारंगखेड़ा में लोगों को दिखाने के हिसाब से लेके आए हो या रिंग में? नहीं, रिंग सर, के हिसाब से लेके? नाम ही सर मन्नत है। अच्छा, तो बड़े मन्नत से मिली है मेरे को, इसको कभी बेचूंगा नहीं। अच्छा, नहीं बेचोगे? नाम ही मन्नत रखा है सर। अच्छा, मन्नत आपने अपने पास लाने के बाद ही रखा था या पहले से ही आया था? नहीं सर, ये पहले से ही नाम चलता आ रहा है। अच्छा, मैंने मुझको भी अच्छा लगा तो मैंने वो कंटिन्यू किया नाम। आधार कार्ड चेंज नहीं किया? नहीं करेंगे सर, आधार कार्ड भी चेंज नहीं करेंगे और उसका पता भी कभी चेंज नहीं करेंगे। पता भी चेंज नहीं करेंगे? हाँ जी। तो अभी सर इसमें दो दांत में लगाने वाले? हाँ जी हाँ जी। अभी तो सर पहले भी रिंग में कहीं लगाया है इसको या पहली बार ही लगाओगे? नहीं नहीं सर, ये जब मिल टीथ में थी तब हमने इसको पूना शो में लगाया था, तो वहाँ पे ये फर्स्ट रनर अप थी। उसके बाद जो पिछले दो महीने पहले जो शो हुआ था अक्लूज में, वहाँ पे इसको दो दांत में लगाया था हमने। ओके। वहाँ पे भी ये फर्स्ट रनर अप हुई थी। अच्छा, वहाँ पे भी अक्लूज में? हाँ, अक्लूज में ये दो दांत में फर्स्ट रनर अप थी ये। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि आप घोड़ा मार्केट में आए तो किस्मत अच्छी थी आपकी, है ना? हाँ सर, बस आते ही बच्ची जीत गई। मैंने लोग बाग जो 15 साल से लगे हुए उनके फर्स्ट रनर अपनी आती है। थैंक यू सर, सच्चे दिल से कर रहे हैं सर सेवा। तो सर डाइट में क्या रहता है चार्ट, यानी कि सुबह से शाम तक का? डाइट में तो सर घर का देते हैं हम पूरा, चना हो गया, गेहूं हो गया, चोकर हो गया, और सर कुछ मिनरल मिक्सचर भी हम डालते हैं इसमें। बिल्कुल। हाँ, तो सर अभी अपने पास में एक ही है ये? नहीं सर, मेरे घर पे और दो जानवर हैं। दो हैं, और वो किस तरह के? सर एक जो मेर है मेरी वो डायरेक्ट राज घोड़े की है, जो रत्नाकर लाइन से है। अच्छा। वो अभी अर्बुद घोड़े से प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। और एक जो घोड़ा है वो राजवीर बोल के जो घोड़ा है बनारस काटा में, उसका है। बिल्कुल। और एक परमहंस की बच्ची भी है मेरे पास, एक परमहंस की बच्ची है। हाँ जी सर। तो टोटल घर पे कितने अभी, 3 है कि 4? 4 4 हो गए सर। 4 हो गए। हाँ जी, चलो बिल्कुल सर। बाकी अभी सारंगखेड़ा कब पहुंचे थे? मैं आज सुबह ही पहुंचा हूं सर, रात भर ट्रैवल किया है मैंने और मन्नत ने। कितना पड़ जाता है आपका सारंगखेड़ा से आपका? सर 12 घंटे लगे हमको टोटल। रास्ते में कहीं रुके भी के लगाता? हाँ सर रुके हम, रास्ते में 2-3 बार रुके, इसको चारा खिलाया, पानी पिलाया, हमने भी कुछ खाना खाया और फिर आते रहे। चलो बाकी हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आपकी फर्स्ट विनर बने। थैंक यू। और आप यहाँ से भी वही अवार्ड लेके जाए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। भाई सर एक बार अपना नाम बताएं और मोबाइल नंबर बताएं। सर मेरा नाम है सुमित सिंह पवार।